आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वर्कशॉप में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आप अपने जो लैपटॉप्स हैं, अपने लैपटॉप्स के ऊपर जीमेल को लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है कि ब्लॉगिंग के थ्रू ये सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, हम ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब लोग हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के युग में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इंटरनेट ने हमारा जीवन को बहुत बेहतर बना है और हम इसके माध्यम से कई सुविधाओं का आनंद लैपटॉप या फिर मोबाइल के जरिए ले सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक मीडियम होना चाहिए, इंटरनेट, है ना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग हम लोग करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं या रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हम लोग करते हैं, आदि आदि अनेक काम हम लोग इंटरनेट के जरिए करते हैं। तो इंटरनेट के प्रति यूजर्स के रुझान की वजह से बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग को अपना रहे हैं। यदि हम मार्केट स्टेटस की ओर नजर डालें तो लगभग 80% जो हमारे शॉपर्स होते हैं वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले या उसके सर्विसेज लेने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पर सर्च करते हैं। सपोज मुझे दिवाली में एक मोबाइल लेना था, तो मोबाइल लेने से पहले मैंने बहुत रिसर्च करी, इंटरनेट नेट पर बहुत रिसर्च करी, उसके प्राइसेस को कंपेयर किया इंटरनेट पे, उसके फीचर्स के बारे में पता करा, उसके बाद उसके उसके स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पता करा कि उसमें कितनी रोम है, कितनी रैम है और उसके स्टोरेज में की कैपेसिटी क्या है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसके उसके बारे में रिव्यू भी किया कि कस्टमर्स के रिव्यू क्या है उस प्रोडक्ट, जो पहले किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज किया है और बाद में कस्टमर अपना रिव्यू देता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसका रिव्यू क्या है, उसने लेने से उसके यूज करने के पश्चात उसने अपना रिव्यू दिया है कमेंट के थ्रू, वो कैसा है। तो ये भी इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसे में कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अपनी वस्तुओं और सेवाओं को डिजिटल साधनों से मार्केटिंग करने की प्रतिक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग करते हैं कि हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए और हमारे पास या फिर हमारे पास मोबाइल होना चाहिए या फिर टैबलेट होना चाहिए और हमारे पास सिर्फ एक मीडियम होना चाहिए, इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर किसी एक एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग इससे जुड़ सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग 1980 में जो कॉन्सेप्ट आया था डिजिटल मार्केटिंग का, उस टाइम पर ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन जो 1890 में जो कि डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और लोगों को पता चलने लगा कि डिजिटल मार्केटिंग भी एक चीज़ है जिससे कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को या फिर उसके सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, तो इसी को ही हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग नए ग्राहकों तक पहुंचाने का एक सरल माध्यम है। यह मार्केटिंग की गतिविधियों को पूरा करता है। इसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचकर मार्केटिंग करना डिजिटल मार्केटिंग है। यह डिजिटल मार्केटिंग से उत्पादक अपने ग्राहक तक पहुंच सकते हैं, साथ साथ उनकी गतिविधियों पर भी आवश्यक या नजर दृष्टि रख सकते हैं कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने ऑनलाइन लॉन्च कर दिया है या इसकी मार्केटिंग की है, तो हमारे यूजर का जो कस्टमर है उसके उसको उसके ऊपर भी क्या नजर है, उसकी क्या उसकी जो नजरिया है या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो उस प्रोडक्ट के प्रति कितना इंटरेस्ट ले रहा है, इसकी गतिविधियों के ऊपर भी हम लोग नजर रख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से उत्पादक अपने ग्राहकों तक पहुंचने के साथ साथ उनकी गतिविधियों तथा उनके आवश्यक
पर भी दृष्टि रख सकता है। ग्राहकों का रुझान किस तरफ है या ग्राहक क्या चाह रहा है, इन सभी विवेचनाओं पर डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा की जाती है। सरल भाषा में कहें तो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल टेक्निक द्वारा ग्राहकों तक पहुंचने का एक माध्यम है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आधुनिकता का दौर है और इस आधुनिक समय में हर वस्तु का आधुनिकरण हुआ है। इसी क्रम में इंटरनेट भी इसी आधुनिकता का हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से कार्य करने में सक्षम है। आज के समाज में हम लोगों के यह देखते हैं कि लोगों के पास जो होता है कि समय बहुत कम होता है, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आवश्यक हो गया है। हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है, वो उसका उपयोग हर स्थान पर आसानी से कर सकता है। अगर आप किसी से मिलने को कहोगे तो वो साफ सी बात कहेगा कि या तो कह सकता है कि आपके पास समय नहीं है, परंतु आप सोशल मीडिया पर आपसे बात करने में उसे कोई समस्या नहीं होगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग इस दौर में अपनी जगह बना पा रहा है। जनता अपनी सुविधा के अनुसार इंटरनेट के जरिए मनपसंद आवश्यक सामान आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब बाजार जाने से लोग बचते हैं, ऐसे में डिजिटल मार्केट अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। डिजिटल मार्केटिंग एक कम समय में एक ही वस्तु को कई प्रकार से दिखा सकता है और अपने और उपभोक्ता को जो वस्तु पसंद है वो उसे तुरंत ले सकता है। इस माध्यम से उपभोक्ता का बाजार जाना, वस्तु पसंद करना और आने जाने में जो समय लगता है वो बच जाता है। वर्तमान काल में आवश्यक हो गया है कि व्यापारी को भी व्यापार करने में मदद मिलती है, वो भी कम समय में अधिक लोगों से जुड़ सकता है, अपने उत्पाद की खूबियां उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है। सो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया। अब होता है कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट एकमात्र साधन है। पहले भी मैंने बताया था कि इंटरनेट के बिना आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसमें जो होता है कि हम लोग कोई भी बंदा जब डिजिटल मार्केटिंग की तरह अपने प्रोडक्ट को का एडवर्टाइजिंग करता है तो उसको जो है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें जो होता है कि कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। कीवर्ड्स को हम जो भी कंपनीज के जो जैसे गूगल है, अमेजॉन है या फिर आपका फ्लिपकार्ट है, उसके गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कीवर्ड्स बनाते हैं। तो आपने ये कभी ये ख्याल किया है कि जैसे कि हम लोग गूगल पर कोई कीवर्ड डालते हैं या किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो जो इंटरनेट जो हम लोग डालते हैं तो जो सबसे पहले जो हमें पेज पर जो पहला पेज पर जो दिखाई देता है वो उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है, यानी कि वो हमारे जो है कि एडवर्टीजमेंट है, एड है। तो ये भी एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तकनीक के थ्रू हमें सबसे पहले हमारा कौन सा पेज डिस्प्ले होता है या आपका पेज को सबसे पहले किस स्थान पर वरीयता दी जाती है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम है। उसके बाद आता है कीवर्ड्स। हम लोग जो होता है कि कीवर्ड्स को हम लोग सपोज मैंने एक कोई मैं सपोज अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ मार्केट में, सपोज मैं कोई या टेलीविजन बेचना चाह रहा हूँ, टीवी बेचना चाह रहा हूँ जिसका नाम है सैमसंग टीवी बेचना चाह रहा हूँ। तो सैमसंग टीवी को सपोज मैंने सेल करना है किस पे, अमेजोन पर सेल करना है, तो मुझे सबसे पहले उसके कीवर्ड्स बनाने पड़ेंगे। कीवर्ड्स को हम खुद ही बना सकते हैं या फिर आप इंटरनेट या फिर कई सारे टूल्स आते हैं इंटरनेट पर कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए, या फिर कीवर्ड्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कीवर्ड्स के थ्रू ही किसी सामान या किसी प्रोडक्ट को हम लोग सर्च करते हैं। सो अब कीवर्ड हम लोग बनाते कैसे हैं, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है, या फिर आप ऐसे कीवर्ड को नहीं बना सकते हैं।
कीवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी टूल्स का उपयोग करना चाहिए। सो उन टूल्स में बहुत सारे कीवर्ड्स वगैरह पहले से ही अवेलेबल रहते हैं, उनको डाउनलोड करके उन कीवर्ड्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है। सपोज मैं इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, सैमसंग मोबाइल विथ 4GB, राइट, ये मेरा कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को मुझे ये देखना है या एनालाइज करना है कि भाई ये जो हमारा कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया है ना, कितने लोगों को सर्च किया है और कितने इस कीवर्ड पे कितने सारे हिट हुए हैं हमारे, और इस कीवर्ड पे हमारे को हमने अगर लगाया है तो इस कीवर्ड पे जो प्रति क्लिक के हिसाब से हमारे अकाउंट से कितने पैसे हमारे डिडक्ट हो रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। सपोज हमारे कीवर्ड पे 100 विजिट आए हैं या 1000 विजिट आए हैं, 1000 विजिट आने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक तो पहुंच रहा है लेकिन लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो आपकी जो कीवर्ड्स पे सारे एफर्ट्स जो होंगे इसमें बर्बाद हो जाएंगे और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पर क्लिक के हिसाब से पैसा जो होता है कि उसमें देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हमें यह भी देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं और उस हिट्स पे कितने ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे हमारे जो है कि कस्टमर ने परचेज किए हैं, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हम लोग कीवर्ड्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हैं। यह सपोज आपने ये देखा होगा कि अमेजोन पर सपोज हम लोग अमेजोन की वेबसाइट खोलते हैं amazon.in करके, तो फ्रंट पेज पर हमें प्रोडक्ट की डिटेल हमें दिखाई देती है। सपोज या फिर कोई हमें स्पीकर खरीदना होता है या फिर हमें कोई हेडसेट खरीदना होता है या फिर हमें मोबाइल खरीदना होता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि वो आपके सामने से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसमें सपोज कोई बंदा सैमसंग का मोबाइल जो है कि अमेजोन पर सेल करना चाह रहा है, तो आपको वो फ्रंट पेज पर दिखाई देता है। उस फ्रंट पेज पर ऐसी नहीं दिखाई देता है कि आपने उसको पेस्ट कर दिया हो ऐसे, उसके पीछे भी कहानी होती है कि वो फ्रंट पेज पर क्यों शो हो रहा है। तो क्योंकि यूजर जो हमारे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उसके पीछे काम करती है, तो उस कीवर्ड्स उनने कुछ कीवर्ड्स बनाए होते हैं, उस कीवर्ड्स के हिसाब से अपने उस कीवर्ड्स के हिसाब से पर क्लिक के हिसाब से उसको पैसा पेमेंट करता है कि सपोज मैं जितना पर क्लिक के हिसाब से वो पैसा कंपनी को देगा। सपोज पर क्लिक के हिसाब से मैंने सेट कर दिया कि कोई प्रोडक्ट पे कोई कीवर्ड लगाया, उस कीवर्ड पे जैसे ही कोई कस्टमर क्लिक करे तो सपोज उस पर क्लिक के हिसाब से दो रुपये उसके कट गए इसके अकाउंट से। तो इसी प्रकार से मैंने 300 रुपये का मार्जिन रखा उस चीज़ के लिए। तो 300 रुपये में क्या होगा कि पर क्लिक के हिसाब से अगर मैं अमेजोन पर किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट होगा उसके अकाउंट से वो 2 रुपये कट जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं प्रोडक्ट को, उसके ऊपर बहुत सारे क्लिक आते हैं, हिट्स आते हैं, वो हिट्स के भी जो होता है कि जो प्रोडक्ट को सेल करता है उसके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होता रहता है। तो ये भी एक तरीका है डिजिटल मार्केटिंग करने का। तो हमें यह देखना है कि अब जो यह प्रोडक्ट हमारे सामने अपने आप ही दिखाई दे रहा है उस पर जो बंदे ने उस अपने प्रोडक्ट पर जो कीवर्ड लगा रखे हैं उस कीवर्ड पर क्लिक के हिसाब से उसने कितना पैसा लगा रखा है। वो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उसके प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की डिटेल अमेजोन की फ्रंट वेबसाइट पर शो होने लगती है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम है। इसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कई वेबसाइट से मिलकर बना होता है, जैसे कि फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, लिंक्डइन होता है, आदि बहुत सारे टाइप के सोशल मीडिया होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार हजारों लोगों के सामने रख सकता है। आप भली प्रकार से सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, जब हम ये साइट देखते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ अंतराल के बाद हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। यह विज्ञापन के लिए कारगर और असरदार जरिया है। क्या है? सोशल मीडिया। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। आपने ये देखा होगा कि जब आप अपनी ईमेल आईडी खोलते हैं तो बहुत सारी कंपनीज के ऐड आते हैं, आपको ईमेल आते हैं।
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल आपको सीधे ही आपके मेल बॉक्स में चले जाते हैं, या फिर जो जिस जो इस टाइप के ईमेल आते हैं वो सीधे आपके जो आपके यूज के लिए होते हैं, या फिर वो आपके स्पैम वाले स्पैम में चले जाते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। और इमेज में होता क्या है कि एक पूरा सा ब्राउचर क्या करते हैं कि जो इसको डिजाइन करता है कोई डिजाइनर, तो उसमें क्या करता है कि वो पूरा प्रोडक्ट की डिटेल आपकी के एक ब्रोचर बनाता है। उस ब्रोचर को आपको ईमेल कर दिया जाता है। तो जैसे आप ईमेल खोलते हैं तो आपको ब्रोचर दिखाई देने लगता है। उस पर उस प्रोडक्ट की डिटेल, उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट के फीचर सभी के बारे में जानकारी दी रहती है। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली उसको अपने जो प्रोडक्ट की जो साइट है उसको उसको रिडायरेक्ट करता है। तो आप वहां से भी उस चीज को आप खरीद सकते हो, या फिर उस चीज को आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है इस चीज का भी आप देख सकते हैं कि इसमें कि हमारे जो ये प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट पे आप कैसे कैसे फीचर हैं, क्या हैं। इसके जरिए भी आप, ये भी एक एग्जांपल है, इसके जरिए भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और दूसरा आता है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है जिसमें उत्पादक अपने उत्पादों को लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाता है। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त करते हैं। ये वो माध्यम है जहां बहुत से लोग की भीड़ रहती है, या यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में यूजर्स व्यूअर्स यूट्यूब पर रहते हैं। ये अपने उत्पाद को लोगों के समक्ष वीडियो बनाकर दिखाने का सुलभ और लोकप्रिय माध्यम है। सपोज आपने कोई यूट्यूब पर आप कोई वीडियो खोलते हैं, तो वीडियो खोलते ही आपको जो होता है कि एक एड दिखाई देने लगता है। उस एड को इतने क्रिएटिव तरीके से आप इनको लोग प्रेजेंट करते हैं, और उसमें या तो फिर इतने अच्छे तरीके से वो लोग उसको डिजाइन करते हैं कि या तो आप उसको देखते हैं, अगर आपको वो ऐड पसंद नहीं आता तो आप सीधे ही नहीं तो आप उसको उस वीडियो को स्किप भी मार देते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आप उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप एक वीडियो बना सकते हैं। उस वीडियो में आप जितने ज्यादा अपने क्रिएटिव अपने एफर्ट्स को दिखाएंगे, जितना उसको आप इनहेंस करेंगे, या जितना उसको आप क्रिएटिव तरीके से उसको डिजाइन करेंगे, और जिससे कि लोग लोग उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाएं, और लोग उस पर उस वीडियो के थ्रू इंटरेक्ट हों, और आपके जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो डिटेल के बारे में जानकारी हासिल भी कर सकते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को एट ए टाइम उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो ये है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कैसे अपने प्रोडक्ट की डिटेल लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा 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 इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने बता दिया है, सोशल मीडिया, तीसरा ईमेल मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया है, चौथा जो है यूट्यूब चैनल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके जो नेक्स्ट आता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि वेबसाइट या ब्लॉग या लिंक के माध्यम से उत्पादों के विज्ञापन करने से जो मेहनताना मिलता है, या इसे एफिलिएटिंग मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत आप अपना लिंक बना सकते हैं, या अपने उत्पाद उस लिंक पर डाल सकते हैं। जब ग्राहक उस लिंक को दबाकर अपना उत्पाद खरीदता है तो आपको उस पर जो होता है कि मेहनताना मिलता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है हमारे आता है पीपीसी मार्केटिंग, यानी कि पे पर कॉस्ट। अगर जैसे सपोज आपने कोई ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के ऊपर आपने अपना सपोज एजुकेशनल वेबसाइट बनाई, एजुकेशनल वेबसाइट का ब्लॉग, आपका ब्लॉग पूरे अच्छी तरीके से वेल कंटेंट है और आपका वेल मैनेज वेबसाइट है, तो आप अपने जो ब्लॉग है या वेबसाइट है उसके ऊपर जो है कि आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। गूगल गूगल का एक फीचर आता है, उस पर एडसेंस पर आप क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वो एक्टिवेट कर सकते हैं, वो इतना आसानी से एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे ही डिटेल डालेंगे तो वो 10 या 15 दिन का समय आपसे लेगा। वो 10-15 दिन के बाद आपका जो गूगल का जो एडसेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है।
एक्टिवेट होने के पश्चात क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियों के ऐड आपके ब्लॉग पर दिखाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही कोई बंदा आपके ब्लॉग पर आता है और उस ब्लॉग पर जो है कि काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट को दिखाना शुरू कर देता है, तो कोई बंदा को सपोज किसी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अच्छी लगती है तो उस पर वो क्लिक करता है, तो वे क्लिक के पैसे जो होता है कि वो पर क्लिक के हिसाब से जो होता है कि आपके जो होता है कि खाते में उसका पैसा पॉइंट कुछ पॉइंट के हिसाब से या कुछ डॉलर के हिसाब से आ जाता है। सपोज उसका उसका कुछ होता है $100 के आसपास उसकी पूरी वो होती है, जब आपके $100 हो जाते हैं तो $100 होने के पश्चात वो पूरा $100 के $100 आपका जो होता है कि आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है। तो इस तो ये भी एक पैसा इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए ये भी एक पैसा कमाने का या पैसा को अर्न करने का तरीका है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। इसके जरिए आप अपना जो भी आप मेहनत करते हैं अपने ब्लॉग पर, आप जो भी मेहनत वो मेहनत है ना आपको वहाँ पर मिलता है। इसके बाद आता है पे पर क्लिक। जिस विज्ञापन को देखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है उसे ही पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। जैसे जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि इस पर क्लिक करते ही पैसे कटने लगते हैं। यह एक प्रकार का विज्ञापन, यह हर प्रकार के विज्ञापन के लिए है। यह विज्ञापन के बीच में आते रहते हैं, अगर इन विज्ञापनों को कोई देखता है तो पैसे कटते हैं। यह भी डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रकार है। इसके बाद आता है ऐप मार्केटिंग। तो इंटरनेट पर आप आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोग ऐप बनाकर गूगल के प्ले स्टोर पर डाल देते हैं। आप डायरेक्टली वहां पर से उस प्रोडक्ट के बारे में भी उस ऐप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। सो इंटरनेट पर अलग अलग ऐप बनाकर लोगों तक पहुंचाने और उस पर अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार को ऐप्स मार्केटिंग कहते हैं। यह डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही उत्तम रास्ता है। आजकल बड़ी संख्या में लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऐप्स बनाती हैं और ऐप्स को लोगों तक पहुंचाती हैं। तो ये मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स के बारे में बताया कि आप इन टाइप्स का उपयोग करके कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यूजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग की उपभोक्ता के बारे में आप अपने जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमें कैसे क्या नाम कैसे हम लोग डिजिटल तरीके से कौन से ऐसे वेबसाइट पे हम लोग डालना चाहिए जहाँ पर कि ट्रैफिक, या तो एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट जैसे सपोज फेसबुक है, फेसबुक पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इतने ज़्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो आपको क्या होता है कि एक वो तरीका हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट पर ब्रोशर बनाकर उस पर अपने उत्पाद का विज्ञापन लोगों तक लेटर बॉक्स के थ्रू भी भेज सकते हैं, या फिर वेबसाइट ट्रैफिक सबसे ज़्यादा दर्शकों की जो भीड़ होती है वो किस प्रकार के वेबसाइट पर होती है पहले ये आप जान लें, फिर उस वेबसाइट पर अपना विज्ञापन डालें ताकि अधिक से अधिक लोग आपके आपके प्रोडक्ट को देख सकें। तो ये सारा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया। अब हम लोग जो है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ कृपया आप अपने लैपटॉप्स पे जीमेल के माध्यम से लॉगिन हो जाएं और हम लोग जो है कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं और ब्लॉगिंग के थ्रू हम लोग कैसे डिजिटल मार्केटिंग को कैसे हम लोग बढ़ावा के ऊपर कैसे उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की जाती है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आ रही है जी। तो आप प्लीज आप अपने लैपटॉप पे जीमेल पे लॉगिन हो जाएं सभी लोग, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग गूगल ब्लॉगिंग के बारे में सीखेंगे कि कैसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं, कैसे अपने ब्लॉग पर कंटेंट डाल सकते हैं, कैसे यूट्यूब पर कैसे हम वीडियो को एम्बेड करेंगे, कैसे हम पिक्चर डाल सकते हैं, और इन सभी कैसे अपने वेबसाइट को उनका कस्टमाइजेशन करते हैं, थीम्स कैसे लगाते हैं, उसकी सेटिंग्स के बारे में हम लोग सीखेंगे।
आप लोग रेडी हैं? आप सभी लोग रेडी हैं लैपटॉप लेके? प्लीज बताएं। जी सर, आप शुरू। मैं सभी जो लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपने लैपटॉप पर आप जीमेल पे लॉगिन हो जाएं, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो आप एक बार देखेंगे उसके बाद घर जाके करेंगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ब्लॉग कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। आप लोगों को मेरी जीमेल का स्क्रीन देख पा रहे हैं? हम लोग मैंने अपने जीमेल को ओपन कर लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना जीमेल पर लॉगिन कर लिया है, और मैंने जीमेल पर लॉगिन करने के पश्चात मेरे जो राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड के टॉप पे यहाँ पर 6 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको। शेयर नहीं हो रहा सर? नहीं, एक्चुअली यहाँ तो शेयरिंग दिखा रहा है गोपाल गोपाल सर। अच्छा, ये कैन आई शेयर अगेन? ये ना आपका जो जो पीपीटी है ना वो दिख रहा है अभी तक, यहाँ पर स्क्रीन है लेकिन वो नहीं दिख रहा जिस पे आप काम कर रहे हैं। आपको वहां चेंज करना पड़ेगा स्क्रीन आई थिंक। अब दिखाई दे रहा है गोपाल जी? दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, अभी वो पीपीटी वाला ही दिखाई दे रहा है सर। पीपीटी वाला दिखाई दे रहा है जी सर। अब दिखाई दे रहा है गोपाल जी? जी सर, दिखाई दे रहा सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने लैपटॉप पे जीमेल पे लॉगिन हो जाएं। ये फुल स्क्रीन भी हो सकता है क्या सर? बड़े स्क्रीन में भी दिख सकता है क्या? अगर हो जाए तो देख लीजिएगा। स्क्रीन्स का ऑप्शन में कोई बात नहीं सर, नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए, दिख तो रहा है। चले ठीक है, ठीक है। यस सर, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने जीमेल पे लॉगिन कर चुका हूं और जीमेल के लॉगिन कर चुका हूं, आपको जो टॉप पे दिखाई दे रहा है 6 डॉट दिखाई दे रहे हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना? इस पर हम लोग जाएंगे, इस पर हम लोग ब्लॉगर्स एक ऑप्शन आता है ब्लॉगर, उस ब्लॉगर्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन फेल्ड आ रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम। मैंने जो है कि अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन कर चुका हूं और आप राइट हैंड साइड के टॉप पे देखेंगे 6 डॉट्स आपको नजर आएंगे। इस 6 डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसके नीचे एक ब्लॉगर का ऑप्शन आएगा आपका। ब्लॉगर ऑप्शन को क्लिक करते ही आपकी जो है कि ब्लॉगर, आप ब्लॉगर के पेज पे जो है कि रिडायरेक्ट करेंगे, आप सीधे ब्लॉगर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर को दो ब्लॉग बनाए हैं, एक तो है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और एक बनाया है यूवी कंप्यूटर साइंस का। अब मैं नया ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ तो न्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते ही आपसे पूछ रहा है कि चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, ये आपका टाइटल होगा, दिस इज द टाइटल दैट विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग। जैसे कि हम लोग एक ब्लॉग को खोलते हैं तो ब्लॉग का टाइटल दिखाया देता है। सपोज हम लोग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं तो उसके टॉप पर जो
सो होता है तो वो होता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी करके, तो ये दिखाई देता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर को टाइटल लिखना पड़ता है। सपोज मैं यहाँ पर को उसका टाइटल देता हूँ, ऑनलाइन कमा देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सपोज मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का टाइटल दिया उत्तराखंड, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर को आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो कैंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा, एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। कैंसिल पे आप क्लिक करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, सो यहाँ पर को आपको आपका एड्रेस का नाम देना है। सपोज हम लोग ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका जो यूआरएल का जो नेम है वो है uou.ac.in। ऐसे ही आपको यहाँ पर को नेम देना है, तो मैंने दे दिया है। डिजिटल अब यहाँ पर को ये आपको बताएगा कि आपने जो नाम चूज करा है ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ये आपको रेड वर्ड्स में आपको शो कर देगा कि ये ब्लॉक यहाँ पर को अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा एडिशन और करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग उत्तराखंड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या देता है। अब इसने दे दिया कि दिस ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल। इसके बाद आपको करना कि सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पर को आपको 30 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रीव्यू, आप प्रीव्यू पे जा सकते हैं। प्रीव्यू आप बटन पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू पे चले जाएंगे, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और सेव करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा आपका। हमने यहाँ पर इसको सेव पर क्लिक किया। सेव पर क्लिक करने के पश्चात आपका जो है कि ब्लॉक यहाँ पर को ब्लॉक का यूआरएल आपका क्रिएट हो गया है, और ब्लॉक का जो टाइटल है वो आपका क्रिएट हो गया है। अब आपके सामने इस टाइप की विंडो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर को ये हमारा जो है कि ये ब्लॉक का नाम हो गया डिजिटल मार्केटिंग उत्तराखंड। ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने डाला है आपको सिखाने के लिए। ये यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग उत्तराखंड हमारा ब्लॉक का नाम आ गया है। नाम आते ही आप यहाँ पर कोई देखिए कि आपके ये आपके कंट्रोल पैनल्स हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको कह सकते हैं कि आपके कंट्रोल पैनल्स हैं। ये आपके स्टेट्स हैं आपको साइट के, आप ये देख सकते हैं कि स्टेट्स के थ्रू आप लोग ये देख सकते हैं कि ये आपके जो ब्लॉग है, आपने जो ब्लॉग बनाया है कितने लोगों ने इसको विजिट किया है, या कितने लोग इस पे इसको देख चुके हैं। और कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट्स के सेटिंग्स को आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर को आप दे सकते हैं अर्निंग। यही अर्निंग होती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आप यहाँ पर को अर्न भी कर सकते हैं। आपका ब्लॉग जितना एट्रैक्टिव होगा, जितना फेमस होगा, उस पर आप गूगल के थ्रू, गूगल जितना एक्टिव होगा, गूगल आपको जितने लोगों तक, ये सपोज आपके जो ब्लॉग है, आपके ब्लॉग को 1 लाख लोग देखते हैं, वो 1 लाख लोगों ने देख चुके हैं, तो उस पर क्या होता है कि गूगल आपके ब्लॉग पर एड देना शुरू कर देता है। तो वो एड एड को हम लोग कैसे इनेबल करेंगे, उस पर हम अपने जो सारी इंफॉर्मेशन कैसे डालेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद है पेजेस का ऑप्शन। इस ब्लॉग में आप अपने इसको करेंगे कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर को इस पेज ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेआउट। तो ये लेआउट ही बताता है कि आपका जो ब्लॉग का लेआउट है वो किस टाइप का होगा। आपके लेफ्ट हैंड उस कॉर्नर में आपके कंटेंट क्या होंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड पर आपके कॉर्नर क्या क्या होंगे, फुटर में आपके कंटेंट क्या होगा, टॉप पर आपका कंटेंट क्या होगा, आप बैनर बैनर आप कैसे बैनर आपका कहाँ पर प्लेस होगा, और आप जो आपके मीन्यूज वगैरह हैं आप कहाँ पर बनाएंगे, ये सब थ्रू ये आपको लेआउट बताएगा कि ये लेआउट आपका जो ब्लॉग का लेआउट है, ये लेआउट के थ्रू ही आप अपने कंटेंट को मैनेज करेंगे। तो इसके बाद थीम आता है। इसके बाद जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ऑप्शन दिखाई देता है कंट्रोल पैनल में,
दिखाया था, थीम दिखाया था। आपका इसमें थीम सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट के बारे में, एक 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 करके हम मतलब बताएंगे। अभी तो मैं जस्ट इनके बारे में बता रहा हूँ आपको कि इस थीम को आप अपनी ब्लॉग के थीम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उस थीम का कैसे उस थीम को आप अपने ब्लॉग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा सेटिंग्स। तो आप सपोज आप ये सेटिंग्स के थ्रू आप अपने ब्लॉग्स को इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, कंटेंट्स को इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कमेंट्स को आप लोग फिल्टर कर सकते हैं, या कौन कौन यूजर्स आपके ब्लॉग पर कमेंट कर सकता है या कौन यूजर आपके ब्लॉग पर कमेंट नहीं कर सकता है, कमेंट को इनेबल या डिसेबल भी आप इसी सेटिंग के थ्रू भी करेंगे। और लास्ट में आता है एक व्यू ब्लॉग, इससे पता चलता है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके ब्लॉग किस प्रकार आपका ब्लॉग देखेगा, या फिर जो भी आपने अपने ब्लॉग में कस्टमाइजेशन करके है उस ब्लॉग व्यू के थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर को पोस्ट सेक्शन में। पोस्ट सेक्शन में हम लोग, आप सपोज कोई आपका कोई आर्टिकल है या फिर आपका कोई रिसर्च पेपर है या फिर आपके कोई थॉट्स हैं, आपके व्यूज हैं, आप अपने व्यूज को लोगों तक दिखाना चाह रहे हैं या अपने थॉट्स को, अपने आर्टिकल्स को लोगों तक दिखाना चाह रहे हैं, तो आप पोस्ट के जरिए भी आप अपने थॉट्स को या अपने व्यूज को, अपने टाइटल्स को, रिसर्च पेपर, रिसर्च चाहे आपका रिसर्च पेपर हो या आपका कोई भी पेपर हो, आर्टिकल हो, उसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं न्यू पोस्ट के थ्रू। तो जैसे ही हमने न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर को आप पोस्ट का नाम टाइटल दे सकते हैं कि सपोज आपका पोस्ट का टाइटल क्या रहेगा। मैं यहाँ पर को एग्जांपल के तौर पर मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मैंने ये टाइटल रख दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब इस पोस्ट पर आप लोग क्या करते हैं, इस ये आपके सामने जो एक विंडो खुल के आ रही है, आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं और अपने व्यूज को आप लोग अपने टाइटल, जो भी आपका रिसर्च पेपर है उसके बारे में आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो भी आर्टिकल है उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर कोई सपोज आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट को आप लोग कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आप लोग यहां पर उनको एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहां से इसको बोर्ड, इस टेक्स्ट को सपोज हमने कोई टेक्स्ट लिखा, ये हमारा टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को आप यहां से बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको आप यहां से इटैलिक भी बना सकते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये सारे 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 ऑप्शन यहाँ पर को दिए जा दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड बना सकते हैं, उसका पैराग्राफ आप लोग यहाँ से उसका पैराग्राफ वगैरह उसका चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद यहाँ पर को टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये टेक्स्ट का कलर, जैसे आप टेक्स्ट कलर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इस टेक्स्ट के किसी भी कलर पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको इस टेक्स्ट का कलर पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी अगर चेंज करना होता तो आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर इस टेक्स्ट पे आपको कोई लिंक देना है ना, आपको इस टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना है, तो आप इस लिंक के थ्रू भी उसको क्लिकेबल बना सकते हैं। सपोज मैं इस लिंक को आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर क्लिकेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये ब्लॉग है इस पे क्लिक करते ही हमारा कोई दूसरा पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं इस पे अभी अभी इस पे सपोज एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा कि सपोज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली eou.ac.in। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट पे ये वाला पेज ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूंगा कि डायरेक्टली इस लिंक को वहां पर वो इंसर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, लिंक पे जाना है, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर को उसका URL आपने डाल देना है।
डालने के पश्चात आप देखेंगे कि ओपन दिस लिंक इन सेम विंडो। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिंक है हमारा सेम ही विंडो में खुल जाए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरे विंडो ओपन हो इसके लिए आप इस वाले ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अभी मैं इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं सेम विंडो पर क्लिक करना चाह रहा हूँ और इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा क्लिकेबल बन चुका है। इसके बाद सपोज मैं इसमें कोई भी इमेज डालना चाह रहा हूँ, तो आप लोग इंसर्ट इमेज पर भी यहाँ पर को इंसर्ट इमेज करके भी इसको डाल सकते हैं। सपोज मैं अभी यहाँ पर को आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग इस पोस्ट पे इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। सपोज इसके लिए मुझे सबसे पहले इस इमेज का जो यहाँ पर को बना हुआ बॉक्स आ रहा है इसको मुझे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर को आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, फोटो से आप लोग डायरेक्टली गूगल का जो फोटो एक फीचर है वहां से भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके कोई ब्लॉग है ब्लॉगर के थ्रू भी यहाँ जाकर कोई अगर आप यूआरएल डालना चाह रहे हैं, सपोज आपने कोई वेबसाइट पर कोई इमेज ओपन की है उस इमेज का आप यहाँ पर यूआरएल डालेंगे तो वो इमेज डायरेक्टली यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तो यहाँ पर को इस पर ये आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी। आप यहाँ पर को आपको करें चूज फाइल पर जाके आप लोग क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली कोई आप इमेज उठा सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर को ये वाला इमेज उठाना चाहूंगा कि एक मैंने इमेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को ये अपलोड हो रही है आपकी इमेज। अभी ये एक्चुअली मेरे मोबाइल पर फोन आ जा रहा है तो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो जा रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं गोपाल जी, आप देख पा रहे हैं? यस सर, देख पा रहा हूँ सर। ओके ओके, तो यहाँ पर को हमने इमेज को अपलोड कर दिया। अब इस इमेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पर को मेरी इमेज आ चुकी है। आप इस इमेज को आप चाहे आप सेंटर पर ये भी रख राइट हैंड साइड में भी और जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर को काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप इसकी यहाँ से सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं कि इसका साइज क्या होगा, टाइटल भी रख सकते हैं आप इस इमेज का। और सपोज मैंने यहाँ पर ओरिजिनल साइज लिखा हुआ आ रहा है, सपोज मैं एक्स लार्ज कर देता हूँ, उसको अपडेट कर देता हूँ तो इस इमेज की फाइल अपडेट हो जाएगी और आपके सामने इस टाइप के सिग्नल दिखने लगेगा। तो ये हमने इमेज को हमने कैसे पोस्ट किया है अपने ब्लॉग पे और ये हमने देखा। इसके बाद आता है सपोज किसी आपने कोई वीडियो को इंसर्ट करना है अपने पोस्ट पे, उसको कैसे आप लोग इंसर्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सपोज मेरा कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे जाऊंगा। अब यूट्यूब पे जाते ही मैं यहाँ पर सपोज बहुत सारे हमारे कोई लाइव चैनल है हमारा यू लाइव करके मैं एक चैनल बना रखा हमने हम लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी का चैनल है। आप यहाँ पर इसको क्लिक करते ही आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने आ जाएंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। इस वीडियो को मुझे इंपोर्ट करना है, इस वीडियो को मुझे अपने ब्लॉग पर लेके आना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो शेयर ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे
यहाँ पर आपको इस वीडियो का ये लिंक यहाँ पर आ रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये जो लिखा आ रहा है HTTP। तो आप इम्बेड भी कर सकते हैं, कोड दिखाई देगा, इस कोड को हम लोग जो है कि अपने उसमें डायरेक्टली इम्बेड भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो इसको रहने दीजिए, शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के पश्चात इसको लिंक कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के पश्चात हम लोग अपने ब्लॉग पे जाएंगे, तो यहाँ पर को हमारे इंसर्ट करना है वो सामने है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग अपने, तो यहाँ पर करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो वीडियो का लिंक है, जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट वीडियो करके, इस पर क्लिक करना होगा। अब ये यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, या तो हम अपने डायरेक्टली सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम लोग यूट्यूब से भी अपलोड कर सकते हैं। या इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन और आ रहा है यहाँ पर सर्च का। अब यहाँ पर से हम इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपने यू यू लाइव जो चैनल है। सपोज कोई वीडियो है, इसको हमें इंपोर्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे इस पर आ गया है। अब आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। मैंने इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पर को अपने वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब के जरिए, और आपका डायरेक्टली अगर सिस्टम में पड़ा है तो वहां से भी आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर को हमने ये देखा कि हम कंटेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और वीडियो को हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस को हमने ब्लॉग पर कैसे लेके आ सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट, आप किस टाइप के कंटेंट लगाना चाह रहे हैं, किस टाइप का वीडियो लगाना चाह रहे हैं, और कैसे आप लोग, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया, आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको आप इन्हेंस कर सकते हैं, इसको ज्यादा क्रिएटिव, अपने ब्लॉग को ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। तो अब हमने इतना सारा कुछ इस पे हम लोग कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आता है फ्री रूगा, आप प्रीव्यू पे जाके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधे पब्लिश कर लीजिए। कंफर्म पर दो ऑप्शन आएंगे, कैंसिल का आएगा, कंफर्म का आएगा, आप कंफर्म पर क्लिक करिए तो आपका जो पोस्ट है पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए आपका पोस्ट यहाँ पर बना हुआ आ रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसका टाइटल लिखा, और इस पर क्लिक करते ही आपका ये खुल जाएगा। अगर प्रीव्यू करना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ये आ गया, तो यहां से आप डायरेक्टली इस वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। एक्चुअली अभी यहाँ पर कोई मेरे मोबाइल का स्पीड थोड़ा स्लो है तो प्ले नहीं हो पा रहा है, आप करेंगे तो लेकिन प्ले हो जाएगा। ये तो हमने सीखा कि कैसे हम लोग पोस्ट को अपने ब्लॉग पे हम लोग लेके आते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेजेस को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमने पोस्ट को क्रिएट किया, सेम वे में हम लोग जो है कि पेजेस भी बना सकते हैं। हमने पेज ऑप्शन पर जाके पर क्लिक किया, यहाँ पर न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पेज पर आप लोग क्लिक करेंगे तो
आपको यहाँ पर को पेज का टाइटल आप वही जैसे हमने पोस्ट का टाइटल क्रिएट करा था, हम लोग वैसे ही हम लोग यहाँ पर पेज बना सकते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर पेज बनाएंगे कॉन्टेक्ट अस, सपोज हम लोग यहाँ पर को कॉन्टेक्ट अस का पेज बना रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट का पेज बनाएंगे, तो आप कॉन्टेक्ट जैसे कॉन्टेक्ट का पेज बनाएंगे तो उसमें आपके अपने आपके कंटेंट्स आप लोग लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक पेज बना दिया है कॉन्टेक्ट यूज का। अब चाहे तो उसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अब मैंने इन यहाँ पर को जो ये आपका एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कंटेंट को एडिट करने का, आप यहाँ के थ्रू भी जाके भी अपने इस कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस पेज को सीधे पब्लिश करूंगा, चाहे तो आप प्रीव्यू भी दे सकते हैं। मैं सीधे पब्लिश करूंगा, कंफर्म पब्लिश पे क्लिक करूंगा, तो हमारा कॉन्टेक्ट आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट एस पेज हमारा क्रिएट हो चुका है, और इसके सामने आपके डेट भी आ जाएगी कब पब्लिश किया है, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर को आप लोग इस पेज को बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि जो लैब राइट हैंड साइड पे जो स्टैटिक्स आपका शो कर रहा है यहाँ पर वो कमेंट्स आप लोग यहाँ डायरेक्टली कमेंट्स के थ्रू भी आप लोग देख कमेंट्स किन किन लोगों ने कमेंट्स किया यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं उसको, और व्यूज कर कितने लोग आपके इसको इस पेज को व्यूज कितने लोगों ने व्यू किया है इस पेज को देख सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली इस पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। ये पेज हमने बना दिया है, ऐसे ही आप लोग आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे पेज क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो जरूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग हम लोग मार्केटिंग के लिए ही यूज करें, हम लोग एजुकेशनल के लिए भी हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं किसी भी, या फिर हम अपना पर्सनल ब्लॉग बनाना है तब भी हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन आता है लेआउट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत लेआउट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये दिखा रहा है आपका, तो ये पूरा आपके ब्लॉग के स्ट्रक्चर के बारे में लेआउट आपको जानकारी देगा कि कहाँ कहाँ पर आप लोग इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो कंटेंट्स को आप लोग लगा सकते हैं। ये आपका यहाँ पर को दिखाई देने लगेगा, ये साइड बार टॉप यहाँ पर लिखा दे रहा है, साइड बार टॉप में आप यहाँ पर भी कंटेंट लगा सकते हैं। सर्च बार, ये यहाँ पर को सर्च बार टॉप में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा। हेडर में क्या आएगा, हेडर में आपका जो टाइटल आपने जो बना रखा है वो आपका सब होने लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं, एडसेंस को आप लोग यहाँ पर को भी लगा सकते हैं, पेज बॉडी आपका यहाँ पर आएगा, ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर को पॉपुलर पोस्ट आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे, और फूटर आपका जो होगा कि ये फूटर का सेक्शन होगा, आप यहाँ पर कोई भी चीज फुटर में आप डालना चाहते हैं तो यहाँ डालेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग इस पे, ये तो आपका हो गया है लेआउट, ब्लॉग का लेआउट होता है कैसे दिखेगा हमारा ब्लॉग, इस टाइप से आप लेआउट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है थीम्स का ऑप्शन आता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि थीम पे जाएंगे और थीम पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे थीम्स यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे।
एक थीम आपका यह है, इस थीम जो डिफॉल्ट थीम है ये यहाँ पर वो आपकी सिलेक्ट हो रही है। आप इस थीम को भी आप अप्लाई कर सकते हो उस पर क्लिक करके, जो भी आपको थीम पसंद है आप उस पर क्लिक करिए, डायरेक्टली आप उस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये सिंपल ब्लॉक को, ये थीम जो मैंने है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस थीम को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर को कस्टमाइज ऑप्शन में जाके आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर इसको जाके कस्टमाइज भी बना सकते हैं, कस्टमाइजेबल भी बना सकते हैं। आप इसकी जो है कि ये एंटायर ब्लॉक को आप विड्थ सेट करना चाह रहे हैं तो आप ये जो आपका राइट, इसके हिसाब से भी आप इसको जैसे लेफ्ट को मूव करेंगे और राइट को मूव करेंगे पिक्सल के हिसाब से होता है, तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। मैंने सबको ऐसा किया कि तो ब्लॉक का जो है कि साइज कम करूंगा तो ये साइज कम होता रहेगा, अगर इंक्रीज करूंगा तो उसको इंक्रीज हो जाएगा। राइट साइड बार में अगर आपने देखना है तो राइट साइड बार आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब लेआउट आता है, जहां से आप अपने लेआउट जो मैंने पहले बताया था कि ऊपर दिखाया था आपको कैसे लेआउट दिखेगा, आप उस लेआउट को यहां से चेंज कर सकते हैं ब्लॉक के लेआउट को। सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं अपने ब्लॉक का लेआउट ये रखना चाहता हूं, ये मैंने अपने ब्लॉक का लेआउट रख दिया है। अब यहाँ पर को मैंने इस थीम पर क्लिक किया तो डायरेक्टली मैं इस थीम को अपने ब्लॉक पर अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने अप्लाई पर क्लिक किया, गॉट इट पर क्लिक किया तो मेरी ये थीम पूरे ब्लॉक पर अप्लाई हो चुकी है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये थीम को मैंने अप्लाई कर सकता तो मेरा ब्लॉक कैसे दिखेगा। अब यहाँ से आप व्यू ब्लॉक का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपने ब्लॉक को देख सकते हैं तो आपका ब्लॉक ऐसे दिखाई देगा। ये हमने जो टाइटल दिया था डिजिटल मार्केटिंग आपके टॉप पे दिखाई देने लगेगा, और आपका जो पोस्ट किया है आपने, हमने जो एक पोस्ट क्रिएट किया था वो आपका यहाँ पर फ्रंट फ्रंट पे आपका पोस्ट दिखाई देने लगेंगे। ये आपका ये है, आप यहाँ से जो हमने दिखा वीडियो को आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। ये इस टाइप से हमने इसको कस्टमाइज किया था, हमने एक पेज भी लगा था उस पर, उस पोस्ट पर हमने वीडियो को इंसर्ट किया था यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमेज को इंसर्ट किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे ही आप अपने ब्लॉग को क्रिएटिव तरीके से आप दिखा सकते हैं, कैसे आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप अपने सेटिंग्स को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, ये आपके बहुत सारे सेटिंग्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप उसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। अब सपोज मैंने अपने ब्लॉग पे बहुत सारे पेज तो बना दिए हैं, लेकिन वो पेज पोस्ट तो आपके फ्रंट फ्रंट पे डिस्प्ले होने लग जाएगा, लेकिन जो पेज हैं आप उस पेज को कैसे डिस्प्ले करेंगे। सपोज हमने एक पेज बनाया कॉन्टेंट का, उसको आप लोग कैसे ब्लॉग पे डिस्प्ले कराएंगे। बना तो दिया, क्रिएट तो हो गया हमारा पेज, लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा वो फ्रंट पे। ये देखिए कॉन्टेक्ट ये मैंने दे दिया है क्योंकि ये पोस्ट हमने क्रिएट किया था, तो ये फ्रंट पर हमको बाय डिफॉल्ट दिखाई देने लगेगा। आप जितने भी सारे पोस्ट क्रिएट करोगे वन बाय वन आपको फ्रंट फ्रंट आपके फ्रंट पेज पे दिखाई देने आपको शो होने लगेंगे, लेकिन जो हमने पेजेस बने क्रिएट करे हैं वो पेजेस अभी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उस पेजेस को हम अपने ब्लॉग पे कैसे लेके आएंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर तो आपका एक नव वार आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। हेडर पर आपका जो डिस्प्ले हो रहा है ये टाइटल आपका है यहाँ पर को आएगा, इस टाइटल में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस पर आप जो है कि आपका टाइटल, आपका ब्लॉग का टाइटल तो ये हो गया। सपोज आप इस यहाँ पर इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर को इमेज भी आप लोग लगा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ इमेज, मैं डायरेक्ट अगर आप इमेज का कोई यूआरएल डालेंगे तो आप डायरेक्टली यूआरएल से भी डाल सकते हैं, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पर इसको ब्राउज का ऑप्शन पे जाऊँगा, मैंने यहाँ पर को एक इमेज
उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की डाल रखी है। मैं इसको इसको कहते हैं लोगो, आपका ब्लॉग का लोगो या आपकी वेबसाइट का लोगो आप लोग टाइटल बार पे कैसे लिख इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया, अब हम इसको सेव करेंगे। अपडेट हो रहा है हमारा विजिट। आप लोग सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। अब आप कंक्लूड की तरफ भी जा सकते हैं सर। हम फिर कुछ समय बाद से अगर आपका पूरा हो गया हो तो नया सेशन भी शुरू करेंगे। ओके सर, बस 10 मिनट में हम ना कंप्लीट करता हूं सर इसको। जी सर प्लीज। एक्चुअली यहाँ पर को अपडेटिंग विजेट दिखाई दे रहा है, जैसे ये अपडेट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको दिखाई देने लगा, क्योंकि मेरा जो मैंने अपना मोबाइल ये अपडेट हो चुका है हमारा, इतना ये इमेज सक्सेसफुल अपडेट आ रहा है, वहाँ पर आपको शो हो रहा है मैसेज। तो मैं यहाँ पर को अपने यहाँ पर जाऊँगा ब्लॉग पे और इसको रिफ्रेश करूँगा। एक्चुअली वो थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं हुआ शायद। यहाँ पर को बहुत सारे इमेज प्लेसमेंट आ रहे हैं, आपको इस ऑप्शन पर जाके भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अपडेट होगा नहीं है बेटी से। आई थिंक उस इमेज की साइज पे दिक्कत हो रही है कि वो अपलोड ठीक से अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक से अपलोड नहीं हो पा रहा, तो अपलोड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम लोग जो हमने पेज बनाया है उस पेज को आप अपने ब्लॉग पर कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पर को ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्रॉस कॉलम। क्रॉस कॉलम पे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि ऐड गैजेट, ऐड गैजेट हम लोग क्लिक करेंगे ऐड गैजेट पे। अब यहाँ पर को बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को भी आप लोग वहां पर को डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं। ये दिखा दिया है, तो एक बार मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर कॉलम। यहाँ पर इस ऐड विजेट पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर पेजेस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। टेस्ट कर दिया और नहीं रहा इस पे। यहाँ पर एड न्यू आइटम आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग तो हमें यहाँ पर को दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। एक तो होम का ऑप्शन आ रहा है, पहले हम लोग होम पेज को लेके आएंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, ये आपका, देखते हैं कि अपडेट हुआ नहीं हुआ।
रिफ्रेश करेंगे। देखिए देखिए होम दो बार आ गया है हमारा, क्योंकि एक पहले से बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर कोई शो होने लग रहा है आपके पेजेस, ये होम पेज आपका यहाँ पर कोई शो हो रहा है जो होम पेज बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। इसके बाद हमने जो बनाया है कॉन्टैक्ट एज का पेज, उसको भी हम लोग यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो हम लोग इसको दोबारा एडिट सेक्शन पर जाएंगे क्रॉस करने में। यहाँ से ये दो बार दिखाई दे रहा है क्योंकि दो बार यहाँ पर कोई ये शो हो रहा है, तो एक को हम लोग डिलीट मार देंगे। अब एड न्यू आइटम करेंगे, यहाँ पर को क्लिक करेंगे। अब देखने के बाय डिफॉल्ट हमने जो पेज बना रखे हैं कॉन्टैक्ट एस का, यहाँ पर आ रहा है। और कॉन्टैक्ट एस के पेज पे हमने जैसे कॉन्टैक्ट एस बना, उसका बाय डिफॉल्ट यूआरएल यहाँ पर को आ रहा है आपका। देखिए ये आपका बाय डिफॉल्ट उस पेज का यूआरएल बाय डिफॉल्ट ही सिस्टम आपको जनरेट करके दे दे रहा है। तो हम यहाँ पर सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव पर क्लिक करें, सेव करेंगे। और हमारा जो है कि जो पेज है वो अपडेट हो चुका है। हम दोबारा जाके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ आ गया है। इससे पहले नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें उस ब्लॉक को उस पर लेके आना पड़ता है। उसको हम कैसे लेके आना पड़ता है इसके मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही हम लोग कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे, तो हमने जो वहाँ पर कंटेंट डाला हुआ था यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए कॉन्टैक्ट अस वलम सिंह टपोटी, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर को आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग पेजेस को बनाते हैं। और पेजेस मैं आपका आपके पास क्या कंटेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट डालना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर को आपको शो होने लगेगा। इससे बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप अपने पेज को अपने ब्लॉग पे इस टाइप से आप लोग दिखा सकते हैं। तो मेनली यही चीज है जो आपके ब्लॉग, इसके थ्रू आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप अपने कंटेंट्स को कैसे आप लोग पोस्ट के जरिए दिखा सकते हैं पेजेस के, आप पेजेस अपने कंटेंट के पेज बना सकते हैं, वो पेजेस के थ्रू आप लोग उस पेजेस को आप कैसे ब्लॉग के थ्रू शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। सपोज मैं होम पर जाऊँगा, अब आपको आपने सपोज ये पेज डाला है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास बहुत सारे। आप इसको डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, है ना, ट्विटर पर भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये बहुत सारे आपके पास यहाँ पर को ऑप्शन आ गए हैं। तो ये था आपके पास बेसिकली कि हम लोग एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम लोग ने ब्लॉग कैसे बनाया है, ब्लॉग के को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, उस पर पोस्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, पेजेस को कैसे बनाते हैं, लेआउट का क्या काम है, सेटिंग्स का क्या काम है, और थीम्स को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट ब्लॉगिंग। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आप ब्लॉगिंग का लाभ ले सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने अर्निंग को, अपने मार्केटिंग को इनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो गोपाल सर, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग। यस सर, अच्छा रहा आपका जो ब्लॉगिंग का जो हैंड्स ऑन है। आई होप सो जो पार्टिसिपेंट्स गेट बेनिफिटेड। और मैं आपको, अगर आपका सेशन खत्म हो गया सर, अभी और कुछ है? नहीं सर, अगर आप हमारा वैसे तो दूसरे सेशन का समय स्टार्ट हो गया है, अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो हम फिर सेशन टू की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, आप कंप्लीट हो गया सर, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं थोड़ा सोशल मीडिया में अपने ऐड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये इसके बारे में बता दें, लेकिन आप लास्ट में अगर थोड़ा समय मिलेगा तो बता दीजिएगा। हाँ सर, हाँ, अभी अभी और सेशन अगर हमारे पास रहेगा थोड़ा सा समय में, बिल्कुल सर। सोशल मीडिया पर हम कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की डिटेल कैसे हम लोग दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग एंड होप यू ऑल अवेयर अबाउट दैट। राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर for your kind words and the hands on about the blogging, how to do the blogging. बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने hands on कराया, online माध्यम से hands on कराना भी अपने आप में एक चुनौती है। Thank you very much sir.